नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। रांची कचहरी स्थित राज रेसिडेंशियल में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा कम्युनिटी रेडियो अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 3 राज्यों के लोग आए हुए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत किए हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कम्युनिटी रेडियो क्या है, किस तरह से इसे संचालित किया जाता है। जी क्या उद्देश्य? कम्युनिटी रेडियो सर्विस का उद्देश्य है कि जो छोटे बिजनेस जो कम्युनिटी रेडियो सर्विस है समुदाय के माध्यम से चलाया जाए और इनका आउटरीच जो है पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों में, उन दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे टीवी और बाकी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, उन तक रेडियो की सेवा लोगों तक पहुँचाएँ। और किस तरीके से किया जाए, तकनीकी सुविधा क्या हो, फंडिंग कैसी हो, प्रशिक्षण कैसा हो, कहाँ से पैसा अर्जित किया जाए छोटे छोटे रूप में, ये सब आज 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन, 3 दिन के ट्रेनिंग सेशन बताया जाएगा। अगर हम लोग टीवी की बात करें या रेडियो की बात करें, जी, अधिकतर लोग आजकल टीवी की ओर भाग रहे हैं। हाँ, इस और रेडियो की ओर क्या आप लोग किस तरह उसका टीवी की ओर बात है और रेडियो की ओर भाग, टीवी की रेडियो की ओर क्यों जाएंगे, उसका एक वजह बहुत बड़ी वजह है कि टीवी अभी भी बहुत बड़े वर्ग तक पहुंच नहीं पाई है। उसके लिए आपको बिजली चाहिए, कनेक्शन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मगर रेडियो के लिए चाहिए छोटे से रेडियो सेट में। और अगर एक किस एरिया में रेडियो मैंने कम्युनिटी रेडियो स्थापित हो जाए तो बहुत बड़े जगह में पहुंच सकती है। अगर आप इस तरीके से देखें कि जो बड़े रेडियो स्टेशन हैं FM है वो शहरों में स्थापित है, बड़े शहरों मेट्रोपॉलिटन सिटी में स्थापित है, मगर जो कम्युनिटी रेडियो है छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है। आप छोटी छोटी बात पहुँचा सकते हैं कि मेरा बच्चा घूम गया है, इसका ये है पहलिया है, या मेरी बच्चिया घूम गई है, या मैं धान बेचना चाहता हूँ, या मैं अपनी दुकान खोल रहा हूँ, आप आइए, ये छोटी छोटी बात को पहुँचा सकते हैं। मगर आप FM रेडियो में जाएंगे वो आप कर तो देंगे मगर बड़े पैमाने पर आपसे पैसा लेंगे, उगाही करेंगे, विज्ञापन लेंगे, जिसका ये इसका फायदा है। झारखंड में भी गिरिडीह में देखने को मिला है जी, क्या वहाँ की किस तरह का जागृति आया हुआ है लोगों को? जागृति ये मतलब छोटी छोटी बातें उन पर पहुँच रही हैं, लोग जागरूक हो गया। जैसे अभी सपोजली मान लीजिए कोरोना वायरस जो अब ये है आउटेज बढ़ रहा है, आप बता सकते हैं, अब सब लोग ग्रामीण क्षेत्र वाले सुन लेंगे, मोबाइल नहीं चला सकते, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, आप उनको बता सकते हैं भैया हाथ धो लें या हाथ नाक कान में गले में हाथ ना लगाएं, ये सब चीज़ें उनको सुन के और जितनी इम्पैक्ट होगा उतना अगर आप इंग्लिश में लिख के भेजेंगे, व्हाट्सअप भेजेंगे, तो कितने लोग व्हाट्सअप देख पाएंगे। ये जागरूकता है, पढ़ाई लिखाई की जागरूकता है, सरकारी को जो काम काज हो रहे हैं वो अच्छे ढंग से हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसकी मॉनिटरिंग आप यहीं से कर लीजिए। आपको ये बोले कि भैया रेडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि वहाँ पे बताइए, ये सब चीज़ें छोटी छोटी, माध्यम छोटा है, इसका असर बहुत व्यापक है। इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के सहयोग से किया जा रहा है, इस तरह के कार्यशाला ये वर्कशॉप 100 आयोजित पहले भी किए जा चुके हैं और भविष्य में किया जाएगा। अभी सिर्फ 3 राज्यों के लोग आए हैं, NGO के लोग आए हैं, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। मेरा नाम नितेंद्र बनर्जी है, मैं रुद्रा NGO महासमुंद से आया हूँ और मैं उनका ट्रेजरर हूँ। जी, क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आप लोग शुरू किए? जैसे हम लोग 2016 में फ्रिक्वेंसी मिला, मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिला प्रसारण करने का, और उसमें से हम लोग अभी चला रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग को सपोर्ट किए आत्मा, जो कृषि विभाग है, वो सेटअप किए और उसके माध्यम से हम लोग अभी कार्यक्रम उनका चला रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है खेत खलिहान खुश रहे किसान। किसानों को अधिकतर हम लोग अभी जोड़ रहे हैं। फिलहाल हम लोग अभी हमारा रेडियो स्टेशन से 10 घंटा कार्यक्रम को प्रसारण कर रहे हैं। सुबह 6 बजे स्टार्टिंग करते हैं और 12 बजे तक हम लोग प्रसारण चलता है। जैसे सुबह में हम लोग प्रसारण के बारे में बात करें तो 1 घंटा हम लोग भक्ति संगीत कार्यक्रम बजाते हैं। उसके बाद हम लोग जो किसान पर आधारित कार्यक्रम है खेत खलिहान खुश रहे किसान, उसको 1 घंटा हम प्रसारण करते हैं। इसके फिर हम 12 बजे ऑफ करते हैं, फिर शाम को 5 बजे स्टार्ट करते हैं और रात 10 बजे तक हम लोग प्रसारण करते हैं। और इसका खर्च बोला जाए तो अभी हम लोग एड वगैरह से ले करके, जैसे दुकान का प्रचार हो और जो आत्मा का सहयोग मिल रहा है उसके माध्यम से हम लोग प्रसारण कर पा रहे हैं।
मेरा नाम सुधीर प्रसाद वर्मा और रेडियो जागृति 90.4 FM के ट्राजर है और इसके संचालक नव जागृति युवा मंडल जो हम लोग का एक सोसाइटी NGO है उसके माध्यम से हम लोग चला रहे हैं। रेडियो कम्युनिटी का वर्कशॉप चलाया किस उद्देश्य से लेकर इसको चलाया जा रहा है? ये कम्युनिटी रेडियो अवेयरनेस वर्कशॉप है। कुछ लोग चाहते हैं कम्युनिटी रेडियो बनाने के लिए, लेकिन उसका तरीका क्या है, कम्युनिटी रेडियो क्या है, उसको कैसे सेटअप करेंगे और उसका लाइसेंसिंग कैसा होता है, वो बारे में सारा जानकारी देने के लिए ये रीजनल वर्कशॉप है। ये कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ऑर्गेनाइज्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का स्पॉन्सरशिप में ये काम चलता है। हम यहाँ 3 स्टेट के लोगों को बुलाए हैं, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों को बुलाए हैं और उसमें जो लोग इंटरेस्टेड होंगे कम्युनिटी रेडियो करने के लिए तो यहाँ से जाने के बाद वो लोग कम्युनिटी रेडियो बना सकते हैं, वो सारी जानकारी वहाँ इनको मिल जाएगी। इस उद्देश्य से यहाँ वर्कशॉप लगाए हैं। अधिकतर 3 स्टेट से आए हैं, झारखंड के यहाँ जो स्टेशन चल रही है किस तरह से जोड़ा जा सकता है यहाँ कम्युनिटी रेडियो से? नहीं, वही चीज़ हम चाहते हैं, अगर वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यहाँ स्थापित हो जाता है तो फिर हम स्टेट लेवल का एक संस्था बनाते हैं, जैसा उड़ीसा में हम लोग बनाए हैं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा, ऐसे ही कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ऑफ झारखंड, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ऑफ बिहार, ऐसा को हम बनाएंगे और उसको हम नेशनल लेवल पर जुड़ेंगे। अब फिर नेशनल लेवल पर 276 कम्युनिटी रेडियो जुड़े हुए हैं और हम लोग का नेशनल लेवल पे एक एसोसिएशन है कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें NSR अंसारी जी उसमें प्रेसिडेंट हैं और मनमोहन सिंह उसके सेक्रेटरी हैं। तो इसी तरह से हम चाहते हैं सारे देश भर में जितने कम्युनिटी रेडियो होंगे उसको हम उसमें शामिल करेंगे और कम्युनिटी रेडियो को आगे बढ़ाएंगे। परिचय, मेरा नाम शेख अब्दुल शफीक है और मैं उड़ीसा से हूँ, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन का मेंबर हूँ और एक रेडियो स्वराज बोल के एक रेडियो कम्युनिटी रेडियो हम चलाते हैं उड़ीसा में।